ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए देन क्रिटिकल एंगल, तो तभी जो ये टी आई आर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पॉसिबल होगा। अब हमें देखना है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कहते हैं, देखिए पहले जब हम लाइट पास कर, जब कोई भी इंसिडेंट रे हमने ली, कोई भी इंसिडेंट रे अगर हमने यहाँ से ली, मैं ऐसा यहाँ पर कहूँगा कोई भी इंसिडेंट रे हमने ली, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये कौन सा मीडियम है, कंडीशंस क्या है, फ्रॉम डेंसर टू रियर, डेंसर टू रियर की तरफ, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, मान ले कि ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब ये लाइट पास होगी तो ये यहाँ पर ये कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रियर, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ जाएगी, जब ए फ्रॉम नॉर्मल जाएगी वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये लेस देन क्रिटिकल एंगल, किसे लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो कौन सा फेनोमेना यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो, और जब हम और इसे टिल्ट करते हैं किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को अगर हम और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं, तो अगर हमने इसे और बढ़ा दिया किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और यहाँ पर हमने और एक नॉर्मल ड्रा किया, तो ये और होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द होगी नॉर्मल, इसी तरह से जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, और जब हम और इससे टिल्ट करेंगे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को, अगर हम और बढ़ाएंगे इंसिडेंट के रे को थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर ग्रेज होगा, एक टाइम पर ये यहाँ पर ग्रेज होगा, ये यहाँ पर ग्रेजिंग इमर्जेंस बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, देखिए ग्रेजिंग इमर्जेंस हम किस वक्त बनाते हैं, जब यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें, जब ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ये सीखने के काबिल, अगर आपको ये समझ आएगा तो फिर यार कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, देन देखिए जब भी ये 90 डिग्री बनाएगी तो किसके साथ, इस इंटरफेस के साथ, किस इंटरफेस के साथ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम टिल्ट करेंगे, किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को टिल्ट करेंगे इन रियर मीडियम, इन इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब हम टिल्ट करेंगे, उस वक्त जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगी, क्या बनेगी, 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगी इन रियर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगी इन डेंसर मीडियम, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, देखिए मैं और रिपीट करता हूँ, जब इन रियर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगी, क्या बनेगी, 90 डिग्री, उस वक्त इन डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, क्या कहेंगे, विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल इन डेंसर मीडियम, उस वक्त हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगी किसके, क्रिटिकल एंगल के, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल के, तब भी टी आई आर पॉसिबल होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर तो क्या होगा, टी आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल के तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर ग्रेटर देन होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के, तो क्या होगा, टी आई, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगी क्रिटिकल एंगल तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी बराबर क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, मैं और रिपीट करता हूं कि अब हमने दो मीडियम ले, दो मीडियम, एक तो डेंसर हमने लिया, दूसरा रियर, जब हम एक इंसिडेंट एरिया को यहाँ पर फॉल किया इस मीडियम के थ्रू हमने फॉल किया इसे, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखी वो लेस देन थी किससे, क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, और फिर हमने जब इसे और टिल्ट किया तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या थी, छोटी किसके, क्रिटिकल एंगल के, तो और रिफ्रैक्शन हुई, और जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और टिल्ट किया उस वक्त इन रियर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या थी, 90 डिग्री, क्या थी, 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री थी उस वक्त इन रियर मीडियम, इन डेंसर मीडियम उस वक्त हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगी क्रिटिकल एंगल के तो हम उस वक्त इसे क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो क्या कहते हैं, हम ग्रेजिंग इमर्जेंस, क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, हम इसे कहते हैं, अब हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमें ओ दो मीडियम ली, एक था डेंसर दूसरा था रियर, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे म्यू टू, क्या लेंगे, म्यू टू, इसका हम लेंगे म्यू वन, क्या लेंगे, म्यू वन, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज अगर कोई भी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, क्या आ रही, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है, क्या बना रही है, 90 डिग्री, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तभी तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होगी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, तभी जब 90 डिग्री ये बनाएगा तभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, देखिए ये μ2 क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 किसका है, रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम शैनन्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट शैनन्स लॉ, फिर आपने पास कहा था कि आप शैनन्स लॉ, आपने शैनन्स लॉ कहा था, मैं शैनन्स लॉ कह रहा हूं, क्या शैनन्स लॉ, यूजिंग शैनन्स लॉ,
हम सेल्स लाजा डिफरेंट इंडेक्स हम कहते किसे कहते हैं कि कौन सा कौन सा कौन सी सर्फेस कितना नमाज कितना क्या हम मैं क्या कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करें कि वो लाइट की स्पीड को कितना कम कर रहा है दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो भी हम हमने दो मीडियम लिए इसका हमने रिफ्रैक्ट इंडेक्स लिया डेंसर मीडियम का म्यू इसका हमने लिया म्यू वन क्या लिया म्यू वन जब हम सेनर लॉ लगाते हैं जो हम कहते हैं म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर है ना म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर और ये जो साइन साइन आई ये किसके बराबर है इस वक्त क्रिटिकल एंगल के बराबर वो म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन साइन क्या है बराबर वो बराबर म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन इनटू वन क्योंकि साइन नाइन किसके बराबर होगा वन के बराबर तो साइन सी किसके बराबर होगा म्यू वन बाय म्यू टू दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल क्या जिससे हम क्रिटिकल एंगल को या मेजर या कर कैलकुलेट कर सकते हैं वो ऐसी यही फार्मूला इसकी हम जो म्यू वन है ये हमने क्या लिया था रियर एंगल क्या लिया था रियर एंगल लेट्स अज्यूम कि ये हमने आयर लिया था उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट वन हम लेते म्यू वन बाय म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू टू हम इस तरह से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं लेट अब हम देखेंगे कंपेरिजन हम करेंगे आयर और या ग्लास उसमें हम देखेंगे कि ये दूसरा लिया हमने आयर मैंने पहले ही बताया कंडीशंस फॉर टी आयर क्या है फ्रॉम डेंसर टू रियर डेंसर टू रियर और एंगल ऑफ इंसिडेंस होनी चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो तभी टी आयर पॉसिबल है जब हमने लिया मान लो इसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो हमने 1.5 लिया क्या लिया 1.5 लिया और इसका हमने लिया 1 क्या लिया 1 लिया ये म्यू टू ये है म्यू वन इज इक्वल टू वन म्यू टू इज इक्वल टू 1.5 अगर हम साइन सी को कैलकुलेट करें क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करें ये हमने क्या लिया था ग्लास ये हमने लिया आयर अगर हम इसमें क्या लेंगे कि क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है इस वक्त वो दैट इज 1.5 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 दैट्स ऑलमोस्ट साइन सी इज इक्वल टू 42 डिग्री इसके बराबर आता है 42 डिग्री हम यहां सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय 2 दैट्स इक्वल टू 42 डिग्री किसके बराबर है वो 42 डिग्री जो सी यहां पर निकला क्रिटिकल एंगल हम हमें क्या कंफ्यूजन होता था हम ये कहते थे क्रिटिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं क्या होते हैं 90 डिग्री ये नहीं है 90 डिग्री नहीं है क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकते हैं 42 दैट डिपेंड्स अपॉन द क्या रिफ्रैक्ट इंडेक्स इंडेक्स वो कुछ भी हो सकता है जो रिफ्रैक्ट जो है क्रिटिकल एंगल डिपेंड ये क्रिटिकल एंगल ये डिपेंड करता है टू रिफ्रैक्ट इंडेक्स पर किस पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये क्रिटिकल एंगल क्या हो सकती है हमें पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगी क्रिटिकल एंगल के क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लेस देन होगी किसके क्रिटिकल एंगल के तो क्या होगा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगी क्रिटिकल एंगल के क्या क्रिटिकल एंगल कंफ्यूज मत होना इस वक्त क्रिटिकल एंगल हम क्यों कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल मैंने आपको पहले ही कहा था जब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रियर एंगल 90 डिग्री उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगी क्रिटिकल एंगल के तो क्या होगा इसका क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है हमने पहले कैलकुलेट किया ग्लास क्रिटिकल एंगल को किसके बराबर है 42 डिग्री हम कहेंगे इसे हम क्या क्वेश्चन कहेंगे शो द पाथ ऑफ रे शो द पाथ ऑफ रे ऑफ रे लेट्स सपोज यहां से कोई रे आ इसका हम न्यू नाउ लेंगे एंगल पता है ये क्या है 180 ये तो ये 90 ये 30 यहां पर कितना 60 होगा क्या होगा 60 और जब ये 60 है यहां पर हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं क्या करें नॉर्मल ड्रा हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं यहां से क्या करें नॉर्मल ड्रा जब ये 60 ये क्या है यहां पर ग्लास क्या बता आप मुझे बताओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी 30 ये इससे ये क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है कम तो क्या होगा रिफ्रैक्शन क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा रेस्पॉन्स तो
रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे जब रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कम है, क्या ये क्रिटिकल एंगल से कम है 42, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 42 अगर बराबर होता तो लेजिंग इमर्जेंस होता, तो लाइट किस तरह से जाती, किस तरह से जाती। अगर इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो ये ऐसे आते, क्या होते, टी आया होता, टी आया होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जबकि अब यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम कैसे कैलकुलेट कर सके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर, हमें पता है कि ये किसके बराबर है, म्यू वन, हमें क्या म्यू टू हम देंगे इसका, म्यू टू एंगल का साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू वन साइन आर हम देंगे इसका। म्यू टू किसके बराबर हमने लिया था पहले, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसके बराबर हमने लिया था, 1.5 इज इक्वल टू म्यू वन साइन साइन आर, है ना। कैसे काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो कम होता है, तभी तो ये लाइट पास हो रही है फ्रॉम डेंसर टू क्लियर, वरना ये किया यार पॉसिबल नहीं था। जो क्लैडिंग की क्लैडिंग का जो है रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है, कहा जाता है कि 1% है, क्या 1% इसके जो क्लैडिंग जो जो ये कोर है इसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है 1% ज्यादा होता है। अब अगर हम देखें यहाँ कोई भी लाइट पास हो रही है, क्या बोलिए, हम फिर कहेंगे कि एक्सेप्टेंस फ्रॉम कोन, हम एक्सेप्टेंस कोन किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर किसे कहते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। अब कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, क्या ये एक्सेप्टेंस एंगल काम कर रही है, क्या करिए एक्सेप्टेंस एंगल, इसे हम नाम रखेंगे थीटा नॉट, क्या रखेंगे थीटा नॉट, और जो ये आयर इसका हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स रखेंगे म्यू नॉट, क्या रखेंगे म्यू नॉट, और जब भी इसके पास जाएगी इसके पास ये यहाँ से टिल्ट होगी ना फ्रॉम रियल टू फ्रॉम रियल किसके आ गई टोवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है टोवर्ड्स नॉर्मल, ये इस वक्त यहाँ से नॉर्मल, क्या है टोवर्ड्स नॉर्मल आएगी, इसे हम रखते हैं नाम थीटा आर, क्या रखते हैं थीटा आर, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या मैंने आपको पहले बताया था ये एक्सेप्टेंस एंगल, तो यहाँ पर क्या होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस बनाई गई, क्या बनाया अगर थीटा आर है, ये यहाँ पर एज परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं क्या नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या होगा 90, अगर यहाँ पर 90 यहाँ पर थीटा आर है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा एंगल 90 माइनस थीटा आर, और अगर हम देखें गौर से अगर हम देखेंगे ये थीटा आर, ये 90 माइनस थीटा आर, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा आर, और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्या पैरेलल, तो ये भी क्या होगी 90 माइनस थीटा आर, क्योंकि ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 90 माइनस थीटा आर है, यहाँ पर 90, यहाँ पर थीटा आर है, यहाँ पर थीटा नॉट है, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स हम लेंगे म्यू वन, इसका हम लेंगे म्यू टू, क्लैडिंग का म्यू टू, कोर का म्यू वन, और एयर का हम लेंगे म्यू नॉट, क्या लेंगे म्यू नॉट। अगर हम यहाँ पर सेनल्स लॉ लगाए, सेनल्स क्या सेनल्स लॉ अगर हम यहाँ पर लगाए यूजिंग सेनल्स लॉ ऑन द इंटरफेस ऑफ एक्स और एक्स डैश और एक्स, क्या अगर हम यहाँ पर सेनल्स लॉ लगाए, क्या लगाए सेनल्स लॉ, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा आर, हमने क्या किया यूजिंग म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा आर, कहां पर लगाया हमने ऑन द इंटरफेस ऑफ एक्स डैश और एक्स, कहां पर लगाया यहां हमने लगाया, देखिए साइन थीटा नॉट, अब हम क्या साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू नॉट साइन थीटा आर, और कुछ हम यहाँ पर कह सकते हैं और कुछ लगता है यहाँ पर हम इसे और ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा नॉट इज इक्वल यू वन बाई म्यू नॉट रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आर, ये कैसे आया कोई बता सकते हैं मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है ना, यहाँ पर जब साइन थीटा आर तो पता है साइंस क्या थीटा और कॉस क्या थीटा इज इक्वल टू 1 9 पाई थीटा
प्लस कॉस क्या थीटा इज इक्वल टू 1 जब हम ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस क्या थीटा ये इसका रूट यहां पर चला जाएगा ये आएगा 1 माइनस कॉस क्या थीटा कॉस क्या थीटा आर इसको हम फर्स्ट रखेंगे नाम क्या रखेंगे फर्स्ट और ये अब हम यहां इस इंटरफेस पर क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे सेना लो इस इंटरफेस पर क्या कहते हैं x x डैश और y x डैश और y के अगर हम यहां पर सेना लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा म्यू कॉस थीटा आएगा ना कॉस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 सेकंड क्या सेकंड सेकंड कॉस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 सेकंड यही वैल्यू आप पुट करते हैं हम फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आर इन इक्वेशन फर्स्ट क्योंकि हम कैंसिल हो गया यहां पर sin थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू नॉट रूट ऑफ म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया क्या हुआ ये रूट कैंसिल ये म्यू 1 है यहां पर इससे है ना अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जिसके एक्सेप्टेंस एंड फिर हमें निकलता है sin थीटा वो n इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 का स्क्वायर वो होता है थीटा नॉट इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ n a उसके बराबर है मैं एक्सेप्टेंस हैंडल क्या होती है एंड एक्सेप्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल क्योंकि जो एक्सेप्टेंस कोन होता है एक्सेप्टेंस कोन क्योंकि उसके को हम लाइट पास करवाते हैं ताकि ग्रेज हो या और टीआईआर जो है वहां पर पास करो और अगर हम यहां से कोई भी रे लाए कोई भी रे यहां पर डाले तो इसमें से ट्रैवल तो नहीं होगी ना मैंने आपको पहले ही बताया था जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बने क्या बने और तब इन रियर मीडियम लेकिन किस मीडियम में रियर तब इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल मैंने कहा टीआईआर तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बट इन ऑप्टिकल फाइबर केबल वी हैव यस एसएच बाय रिस्पेक्ट करने से क्रेडिंग से दैट मच आर रियर मीडियम सो यस यस मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रेडिंग इज लेस देन यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोन ये तो सर मैं पूछा था रियर कोन क्योंकि जो एक्सेप्टेंस का That much has rear इसका मतलब यस यस मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज लेस देन यस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोन, ये तो इसकी वजह से पूछा सर ये कोन क्लैरिटी, क्लैरिटी तो रियर होती है ना क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है देन कंपैरिजन ऑफ कोन जब कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो इसके लिए रियर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कोन कोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ये किसका बना होता है मेनली सिलिका ग्लास इसका बनता है सिलिका ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब देखा जाए सर 1.5 1.4 इसका बराबर है 1.5 या 1.4 मेन मतलब मैंने जानने का ज्यादा ये किसका बना होता है सिलिका ग्लास है और ये रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ किसका है ग्लैंड ये बनती होती है प्लास्टिक देखिए ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है 1.3 इसके बराबर होता है तो इसका मतलब ये डेंसर है ये वहां पानी आ रहा है इनका पैरेंस अगर दो रिफ्रैक्ट इंडेक्स में कंपेयर करें नॉन आप डेंसर मीडियम और जब हम देखते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्स हम जब निकाल करते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्स बराबर होता है सी बाई वी क्या होता है सी बाई वी लाइट इन अ वैक्यूम C is speed of light in vacuum, or V is phase velocity of light. So that particular, जब हम B निकालते हैं, क्या निकालते हैं? B B is equal to C divided R I. इसके बराबर होता है C divided R I. B is equal to C. C is light speed of light. Yeah, V to 10 is power. और जब ये लाइट 10 इंच पर सेकंड है वो इसके पर सेकंड है और ये रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या है इस वक्त कोर का 1.5 वो निकलती है उसकी स्पीड क्या होती है लाइट की इन कोर में जाती है 2 10 पर ये जब क्या होता है 20 10 इंच पर 8 मीटर पर सेकंड है अब हमने रिलेशन बनाया है और जब हम देखते हैं इनका पैरेलल मतलब क्लाइड क्या कहते हैं क्लाइड क्लाइड क्या रिफ्रैक्ट ऑफ लाइट और दैट पर्टिकुलर रीजन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आर आई इज इक्वल टू सी क्या है 10 और 8 मीटर पर सेकंड दैट इज डिवाइड बाय 1.3 वो जो हम जब हम कोर का होता है वो निकलता है वो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 9 डिग्री क्या बना रही है 9 डिग्री क्या बना रही है वो यहाँ पर ग्रेस और तब ही रियर मीडियम जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 9 डिग्री से क्या होगी रियर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 9 डिग्री होगी विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल तब डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल